वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार होने वाले लोगों का भी मामला उठाया। सोनिया गांधी ने कहा कि लॉकडाउन के पहले फेज में 12 करोड़ लोगों से रोजगार छिन गया, यह आंकड़ा आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा। ऐसे में इन लोगों की आर्थिक मदद के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। मेरी सरकार से गुजारिश है कि लॉकडाउन में जॉब खोने वालों को 7,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिले। जब तक लॉकडाउन नहीं हटता और चीजें सामान्य नहीं होती तब तक ऐसा किया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में फिर से पीपीई किट की कमी और खराब क्वालिटी का मामला उठा। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने 80 लाख पेंशनरों को अग्रिम पेंशन दी है, साथ ही गरीब और बेसहारा लोगों के लिए 2,500 रुपए दिए हैं। हमने तेजी से कोरोना परीक्षण पर जोर दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से परीक्षण किट विफल हो गए। सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है, सोनिया गांधी ने फीडबैक लिया है। तो वहीं राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया है, सोनिया गांधी को राजस्थान में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी है, राजस्थान को लेकर अपडेट सोनिया गांधी को दी गई है। सीएम ने कहा कि हमने परीक्षण पर जोर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से परीक्षण किट विफल हो गए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की दिल्ली में बैठक आयोजित हुई, जिसमें सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉकडाउन के दौरान की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। साथ ही राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जानकारी दी कि हमने 80 लाख पेंशनधारियों को अग्रिम पेंशन दी, साथ ही गरीब बेसहारा लोगों के लिए 2,500 रुपये दिए हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि हम गरीब और बेसहारा लोगों को 10 किलो गेहूँ दे रहे हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नीरज जी, क्या कुछ अपडेट है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी है, तो वहीं सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने सभी से लॉकडाउन के दौरान किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली है। बिल्कुल आशीष, बताना चाहूंगा सोनिया गांधी ने जो सीडब्ल्यूसी की बैठक थी उसमें सबसे बड़ा मुद्दा उठाया जी, पीपी किट की जो कमी है उसका मुद्दा उठाया, साथ ही खराब गुणवत्ता का मामला भी सोनिया गांधी ने उठाया और उन्होंने कहा कि हम लगातार प्रधानमंत्री से इस बात की मांग कर रहे हैं कि पीपी किट की जो है क्वालिटी अच्छी आए और उनकी गुणवत्ता में सुधार हो ताकि टेस्टिंग अधिक से अधिक हो सके। उन्होंने जो टेस्टिंग हो रही है, कोरोना जांच हो रही है पूरे देश भर में, उसकी कमी पर सवाल या निशान उठाए और उन्होंने कहा कि हमने कई बार जो है केंद्र सरकार को सुझाव दिए हैं, यदि केंद्र सरकार हमारे सुझावों पर गंभीरता से विचार करती तो लोगों को इसका ज्यादा फायदा मिलता। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से गरीबों मजदूरों किसानों के खाते में 7,500 रुपए ट्रांसफर करने की मांग भी उठाई है जी, और बड़ी बात है ये। ही मजदूरों को खाद्य सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हम कोरोना वॉरियर्स को सलाम करते हैं, तमाम हेल्थ वर्कर को सलाम करते हैं जो बगैर जरूरी मेडिकल उपकरण के भी फील्ड में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकारें, जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें हैं उन राज्य सरकारों के मुखियाओं से उसका फीडबैक लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उन्हें राजस्थान सरकार की ओर से कोरोना के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने पेंशनधारियों को जो है 2-2 महीने की पेंशन दे दी है, किस तरह से उन्होंने गरीबों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था की है और जो उन्होंने ये भी जानकारी दी कि राजस्थान सरकार ने अब जो 56 लाख परिवार है उनको 10-10 किलो फ्री में गेहूँ देने के लिए FCI से गेहूँ खरीदने की मुहिम तेज कर दी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम लगातार पीएम से बात कर रहे हैं ताकि राजस्थान को निशुल्क गेहूं मिल जाए और उस गेहूं का वितरण तमाम उन लोगों को हो जाए जिनके पास राशन कार्ड है या राशन कार्ड नहीं है, किसी श्रेणी में है, BPL में है या अन्य खाद्यान्न योजनाओं से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों को राशन उपलब्ध कराने की सरकार की पहल है और उस पहल की भी उन्होंने जानकारी दी। इसके साथ ही राजस्थान में जो टेस्ट हो रहे हैं कोरोना टेस्ट,
उसकी भी उन्होंने जानकारी दी कि राजस्थान में जिस तरह लगातार कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आ रही है, इसलिए मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, और उनका कहना था कि जितनी जांच होगी वो ज्यादा फायदेमंद है, उससे हम ज्यादा सुरक्षित महसूस कर पाएंगे, क्योंकि जितनी अधिक जांचें होगी उसके बाद जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनका इलाज करने में सहूलियत रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उठाए जा रहे अन्य कदमों की भी जानकारी दी। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को बताया कि जो राजस्थान कांग्रेस के पदाधिकारी है, चाहे महिला कांग्रेस के पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, एनएसयू के कार्यकर्ता है, वे भी लगातार प्रदेश के अन्य भामाशाहों के साथ मिलकर लगातार कोरोना पीड़ितों की जो फंसे हुए लोग हैं, मजदूर फंसे हुए हैं, अन्य लोग फंसे हुए, दूसरे राज्यों के श्रमिक फंसे हुए, उन लोगों की तमाम हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, और प्रदेश में भामाशाहों के सहयोग से तमाम लोग सरकार प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को कोई भी भूखा न सोए इस मुहिम पर काम कर रहे हैं, उन तक पका पकाया भोजन भी पहुंचाया जा रहा है, साथ में जो लोग पकाकर भोजन खा सकते हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन तक राशन के किट भी पहुंचाए जा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने तमाम बातें इस सीडब्ल्यूसी की बैठक के जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई उसमें अपनी बात रखी, और सोनिया गांधी ने उन्हें निर्देश दिया कि किसी भी तरह से लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत देने का काम राजस्थान सरकार की ओर से किया जाना चाहिए। आशीष जी, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, जिन्होंने अपडेट दी किस प्रकार से सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने फीडबैक लिया, तो वहीं राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जानकारी दी। बुलेटिन में